बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं जहीर अब्बास, आप देख रहे हैं जही टेक्निकल टीवी। दोस्तों आपका जही टेक्निकल टीवी में वेलकम होगा। दोस्तों आज वीडियो एक वाईफाई के हवाले से है। अगर दोस्तों आप भी वाईफाई यूज करते हैं तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। दोस्तों आज आपको मैं एक न्यू सन 2020 की वाईफाई की ट्रिक बताऊँगा जो पहले आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक वाईफाई यूज़र हैं, आप बहुत ज़्यादा वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। बिल्कुल ही दोस्तों 100% वीडियो रियल है दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो उनसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जही टेक्निकल टीवी को तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि जही टेक्निकल हर रोज दो न्यू वीडियो अपलोड इस चैनल पर करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर दोस्तों आपको अपना वाईफाई ओपन करना होगा। वाईफाई का आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों, आपको जहाँ पे अपना डायल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना वाईफाई का एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी एड्रेस अपना यहाँ पर डाला हुआ है। तो आप इसे वाईफाई को अभी आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ और कौन सी जो न्यू ट्रिक है मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, आगे आपको बहुत मैं कमाल का फीचर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके वाईफाई के साथ कितने मोबाइल कनेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे मोबाइल सिर्फ एक ही वाईफाई के साथ कॉन्टैक्ट है। उसके बाद दूसरा दोस्तों आपको मैं इसका एक और तरीका बता दूं कि जहाँ से आप सर्विस भी चेक कर सकते हैं, 2G है, 3G। तो इस वक्त दोस्तों 4G चल रही है, मेरा वाईफाई इस वक्त 4G चला रहा है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आपने सेटिंग में क्लिक करना है, जहाँ से दोस्तों आप अपनी बैटरी भी देख सकते हैं कि आपकी वाईफाई की बैटरी कितनी है और सर्विस कितनी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, आप अपनी वाईफाई के SMS भी चेक कर सकते हैं, जो आपके वाईफाई के अंदर सिम है उस पर जो मैसेज आएंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मैसेज। जैसे ही आप SMS पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये एडमिन, आपने दोनों जगह पे एडमिन डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप एडमिन दोनों जगह पे डाल देंगे तो उसके बाद आपका वाईफाई पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर भी एडमिन डाल रहा हूँ और जहाँ पे भी एडमिन, तो जैसे ही मैंने एडमिन डाला उसके बाद आप चेंज नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अभी आपने फिर क्लिक करना है SMS पे। तो मुझसे जितने भी सिम पे SMS आए होंगे वो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये मेरी इस नंबर पर ये बिल्कुल ही वाईफाई में सिम है, इस पर ये मैसेज आ चुके हैं। कॉल वगैरह तो कोई नहीं आ सकती, लेकिन जो भी आपके नंबर पे मैसेज करेगा आप यहाँ से क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपने फिर पीछे होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे उसके बाद फिर आपने होम पेज पे आना है। उसके बाद आपको सेटिंग करनी होगी, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपने सिस्टम पे क्लिक करना है। आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिस्टम, तो आपने जैसे ही सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर जहाँ से मैं आपको दो ऑप्शन समझाने वाला हूँ। आपने आप यहाँ से अपनी डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस का नंबर क्या है और IP एड्रेस क्या है, सब कुछ आप यहाँ से, IMEI नंबर भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वाईफाई की जो भी है, जो ख़ास है आपके लिए, आप यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, तो आप इस अपने मोबाइल से अपनी वाईफाई को रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वाईफाई को रिबूट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ आप अपनी वाईफाई का पासवर्ड कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी वाईफाई का पासवर्ड कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ऊपर जो SSID नाम होगा वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हैं कि आपकी वाईफाई का पासवर्ड कौन है, तो आपने शो पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों शो वाईफाई पे आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो आपको मैं और फ्यूचर बताने वाला हूँ, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो आपको ये ऑप्शन दोस्तों दिखाई दे रहा है आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको थोड़ी सी मैं जहाँ से भी इंफॉर्मेशन दे दूँ,
उसके बाद दोस्तों आपने नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। नेटवर्क सेटिंग आपको नज़र आ रहा होगा, आपने नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि यहाँ से आप कौन से ऑप्शन, तो आपको नेटवर्क पहले नंबर पे नज़र आ रहा है। यहाँ से दोस्तों आप अपनी वाईफाई को 2G 3G 4G भी ओनली कर सकते हैं, तो मैंने ऑटो किया है, आपकी मर्ज़ी, आप 2G 3G भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मोबाइल वाला मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ से डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी वाईफाई के साथ सिर्फ ही 10 वाईफाई कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप अपनी वाईफाई को अपने मोबाइल से ऑफ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ अगर कोई ऑप्शन और रह गया हो तो। उसके बाद दोस्तों ख़ास कोई नहीं है, देखता हूँ, लेकिन इसके अलावा और आपके लिए कोई कमाल का फ्यूचर या ख़ास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अपनी आप वाईफाई को अपडेट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अपडेट का आपको ऑप्शन, अपडेट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ चेक फॉर अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हमारा जो वाईफाई था वो अपडेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से वाईफाई अपडेट भी हो सकता है। आप यहाँ से अपनी मोबाइल की बैटरी भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंग्लिश या उर्दू, ये भी एक अंग्रेज़ी, ये सब चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जो भी मैंने वाईफाई की इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वाईफाई की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।